नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। यूपीएपीयू के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, वीडियो का लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले मैंने 100 क्वेश्चंस तक जो है करा दिए इसमें इंडियन हिस्ट्री में, प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। 101 प्रश्न से हम इसमें देखेंगे। 101 क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ था? भारतीय नौसेना विद्रोह ये 1946 में हुआ था। ऑप्शन इसका सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा इंग्लिश में लिखी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने। अकबर ने या बाबर ने? तो ये करवाया था शाहजहां ने। जामा मस्जिद का जो निर्माण कार्य था वो करवाया था शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 क्वेश्चन, कलकत्ता बम्बई मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कलकत्ता बम्बई मद्रास इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1857 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में किस वर्ष हुई थी? कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में हो गई थी 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भक्ति आंदोलन ये प्रारंभ किया था अलवार संत ने प्रारंभ किया था भक्ति आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ व्यवस्था किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1888 में, 1854 में, 1853 में, 1857 में। तो ये 1853 में ही स्टार्ट हुई थी सर्वप्रथम टेलीग्राफ व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1565 में, 1520 में, 1576 या 1585? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रथा किस शासक ने लागू किया था? बाजार नियंत्रण प्रथा किस शासक ने लागू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी जलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने जो है बाज़ार नियंत्रण प्रथा को लागू किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? थानेश्वर से इन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी आगरा। तो इन्होंने थानेश्वर से किया था कन्नौज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? मनसबदारी प्रथा किसने शुरुआत की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी ऑप्शन ए अकबर ने। नेक्स्ट है, भारत और चीन ने किस वर्ष पंचशील की घोषणा की थी? भारत और चीन ने किस वर्ष पंचशील घोषणा की? 1953 में, 1954, 1955, 1956। तो भारत और चीन के बीच में जो पंचशील घोषणा की गई थी ये की गई थी 1954 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, कुतुब मीनार किसने बनवाई? कीर्ति स्तंभ किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी और अदीना मस्जिद। तो कुतुब मीनार का जो कार्य था ये किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। फतेहपुर सीकरी ये अकबर। कीर्ति स्तंभ ये है राणा कुंभा। और अदीना मस्जिद सिकंदरा शाह। इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ये होगा फ्रेंड्स, कीर्ति स्तंभ जो है राणा कुंभा और अदीना मस्जिद सिकंदर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? वास्को डी गामा किस वर्ष आया था भारत? 1492, 1498 या 1498? तो ये आया था 1498 में। ऑप्शन बी 1498 में आया था वास्को डी गामा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संबत कब प्रारंभ हुआ था? हिजरी संबत कब प्रारंभ हुआ था? 620 में, 610, 632, 622। हिजरी संबत प्रारंभ हुआ था 622। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौज खौज का निर्माण किसने करवाया था? हौज खौज का निर्माण ये करवाया था फिरोज खां तुगलक ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था किस वर्ष? 1526 में,
1527 में, 1557 में या 1528 में? तो ये हुआ था 1527 में। बाबर के टाइम के चार युद्ध हैं उसके टाइम के, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध और पानीपत का युद्ध, ये चारों युद्ध आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की? शाहजहाँ ने, बाबर ने, गुलबदन बेगम ने या हुमायूं ने? तो हुमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए शाहजहाँ, ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहाँ, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शेरशाह। सॉरी, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ग्रांड ट्रैक जो जीटी रोड है उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ से प्रारंभ हुई थी? भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई मेरठ से प्रारंभ हुई थी, जो 1857 की क्रांति हुई थी ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन बी सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 121 क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? होम रूल आंदोलन ये एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन सी सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। अगला क्वेश्चन है, 123वां क्वेश्चन, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। नेक्स्ट है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये किसने कहा था? ये था बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ये नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये की थी स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये हुई थी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1928 में बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ये मुंबई से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने प्रथम असहयोग आंदोलन की शुरुआत चंपारण से की और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया? तो उन्होंने जो चोरा चोरी कांड हो गया था उसके बाद में उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो ये किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। अगला क्वेश्चन है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? ये महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना ये सिंगापुर में की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो नारा किसने दिया था? ये था महात्मा गांधी का नारा, करो या मरो। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? खिलाफत आंदोलन ये प्रारंभ हुआ था 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नेतृत्व में सन 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? 1942 में एक आंदोलन चला था जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने और ये 1913 में की थी, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, रिपीट क्वेश्चन है ये, देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक का ये था नारा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 140 क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? तो ये गुरदयाल सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल और शहनवाज खां, ये तीनों पर ही मुकदमा चलाया गया था लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के नेताओं पर। नेक्स्ट, लंदन में जनरल ओडायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? तो ये मारी थी उधम सिंह ने, इन्होंने गोली मार दी थी जनरल डायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका था? तो ये था सुभाष चंद्र बोस का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? ये की थी बम्बई में। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी बम्बई में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो ये भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया के संस्थापक कौन थे? यंग इंडिया के संस्थापक इसमें जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चितरंजन दास या फिर महात्मा गांधी। तो ये यंग इंडिया के जो संस्थापक थे वो थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, पावर्टी और एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक, इस बुक के लेखक कौन है? तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, 1908 में किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी? ये दे दी गई थी खुदीराम बोस को। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हिंदू स्वराज पुस्तक ये लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। फ्रेंड, ये इंडियन हिस्ट्री के हमने आगे के 50 क्वेश्चंस और देख लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।